हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10 की इंग्लिश। और क्लास 10 की इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। और ये जो एप्लीकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और ये आपको जरूर तैयार करनी चाहिए पेपर के लिए। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे और कैसे आपको एग्जाम में मिलेगी वो देखें आप। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, टू ग्रांट यू लीव, छुट्टी लेने के लिए फॉर 3 डेज, 3 दिनों की, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज, शादी को अटेंड करने के लिए। तो शादी को अटेंड करने के लिए आपको क्या लेनी है, छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है ऑफ योर कजिन सिस्टर। अब ये कजिन सिस्टर को, जो कजिन सिस्टर है उसकी शादी है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, इसको अपने प्रिंसिपल को छुट्टी के लिए। तो यहाँ पर ये कजिन सिस्टर की शादी हो रही है, आप देख पा रहे होंगे चित्र के अंदर। आपको ये लिखनी कैसे है वो देखिए, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू और वहां पर लगाएंगे कोमा, क्या लगाएंगे कोमा, जस्ट उसके नीचे, उसके नीचे आप लिखेंगे द प्रिंसिपल। और द प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रधानाचार्य जी। अब ये कॉलेज का नाम आएगा जस्ट उसके नीचे, प्रिंसिपल के नीचे, एसडी इंटर कॉलेज। आपका जो भी कॉलेज पढ़ता हो आप वो कॉलेज का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। तो ये मुजफ्फरनगर में पढ़ता है, फिर लिखेंगे जस्ट उसके नीचे सर, फिर लगाएंगे कोमा। अब सर का मतलब क्या होता है, श्रीमान। अब वहां पर लगा देना कोमा और उसके नीचे इतनी जगह खाली छोड़ के आगे से लिखना है रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है सम्मान पूर्वक, ये सम्मान के साथ, सम्मान पूर्वक या सम्मान के साथ। आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूं। तो हैव टू का मतलब जब किसी काम को करना पड़ता है जरूर, तो हैव टू से बनता है सेंटेंस। जैसे आपको बोलना है कि मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क, इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं इसके, हैज टू, हैव टू के। आई हैव टू से, मैं कहना चाहता हूँ डेट माई कजिन सिस्टर, जो मेरी कजिन की सिस्टर, देखिए मेरी जो कजिन है, कजिन्स अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है काकी के, यहाँ पर कजिन्स आया है इसका मतलब होता है काकी के। तो इसकी जो कजिन्स है उसकी शादी आ गई है, मैरिज मतलब शादी है, इज टू टेक प्लेस, टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th अगस्त। अब वो आने वाली है इसमें शादी कब, 12 अगस्त को। तो 12 अगस्त को शादी आने वाली है, उसके लिए क्या लिखी जा रही है, एक एप्लीकेशन लिखी जा रही है। आगे है एट भोपाल, देखिए ये जो एट आया है यहाँ पर भोपाल से पहले, अब छोटे राज्यों से पहले या फिर छोटे स्थानों से पहले एट का यूज करते हैं, एट भोपाल, भोपाल में शादी है। आगे है आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है, जरूरी है काम, आई हैव टू, अभी बताया था हैज टू और हैव टू का केस है ये, आई हैव टू अटेंड, मुझे अटेंड करनी है द मैरिज शादी को, एज माई फादर इज नॉट अ पोजिशन, और मेरे जो पिताजी हैं वो पोजिशन में नहीं है, मतलब वो है नहीं वहां पे, तो उनकी जगह मुझे वहां पर रहना है। आगे है माई फादर इज नॉट इन अ पोजिशन, वो पोजिशन में नहीं है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, मतलब शादी कराने के लिए इनके जो फादर हैं वो नहीं है। आगे बताएगा इतनी जगह खाली छोड़ के, फिर आगे लिखेंगे आपको ये पैसेज बना के काइंडली, काइंडली का मतलब होता है दयालु पूर्वक, ओके, क्या होता है दयालु पूर्वक। ग्रांट मी, मुझे अनुमति दें, ग्रांट मी का मतलब होता है अनुमति दें। आगे है लीव फॉर, छुट्टी के लिए 3 डेज, अब 3 दिनों की छुट्टी के लिए मुझे अनुमति दे दें। आगे है फ्रॉम 11th टू, मतलब 11 तारीख से कब, 13 तारीख तक, 13th अगस्त, मतलब 11 तारीख से 13 अगस्त तक आपको क्या देनी है, मुझे छुट्टी देनी है, और छुट्टी के लिए लिखी जा रही है एप्लीकेशन। आई सेल भी, देखिए आई के साथ और आई, देखिए एक केस है इसका आई और वी के साथ, इसका यूज करते हैं हम सेल का, इसका सेल का, तो आप ये ध्यान पर रखना। आई सेल भी हाईली ओब्लाइज, मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ, इसको बोलेंगे ओब्लाइज, इसका मतलब होता आभारी होना। आगे हैं योर्स ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर लिखेंगे उसके नीचे एक्स वाई जेड जो भी नाम है, और क्लास एक्स है जो भी क्लास है इसकी, वो आप क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इतना सारा कुछ करने के बाद में आपको ये लिखनी है और यहाँ पर लगा देनी है इसकी डेट, इस डेट को लिखा गया है, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये डेट है जो पेपर में आ चुकी है, और भी काफी डेट में आई है ये, जैसे कि 2021 में भी आई थी और 2023 में भी आई थी, अब 2024 आने वाला है, अब इसमें भी हो सकता है कि आ जाए, क्योंकि तो ज़्यादा आती है ये वाली एप्लीकेशन, आपको ये जरूर तैयार करनी चाहिए। बस आपको करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें सारे के सारे आपको ये तैयार करने हैं, इसके मीनिंग याद होने चाहिए, ओके। हम कर देते हैं इसको क्लीन, ओके, और बस आपको इसके कुछ मीनिंग याद होने चाहिए, इसके ट्रांसलेशन के लिए
इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए इसके मीनिंग याद होनी चाहिए आपको। एक बार मीनिंग पर नजरों डाल लें, देखिए ये याद करना आपको, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आया है और रेस्पेक्टफुली आपको जरूर याद करना है, इसका मतलब होता है सम्मान पूर्वक। क्या होता है? सम्मान पूर्वक। से का मतलब होता है कहना, और मैरिज आप जानते हैं शादी होती है, और कमिंग और अटेंड का मतलब शामिल होना होता है, और पोजिशन होती है स्थिति, और काइंडली का मतलब होता है कृपया। क्या होता है फ्रेंड्स? कृपया। और ग्रांट का मतलब अनुमति होता है, लीव होता है छुट्टी, और जैसे और कोई वर्ड आया इसमें हाईली सबसे ज्यादा, ओबलाइज्ड का मतलब होता आभारी होना, ओबिडेंटली का मतलब होता आज्ञाकारी। क्या होता है फ्रेंड्स? आज्ञाकारी। ओबिडेंटली का मतलब आज्ञाकारी। अगर ये आपको मीनिंग याद है तो आप इसका आराम से ट्रांसलेशन करते हैं कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, बस आपको ये सारे मीनिंग इसके याद होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं इसी टाइप के एक नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।